हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक शिकार भी ठीक ठाक चल रहा होगा बिल्कुल मेरी तरह। और यह भी उम्मीद करता हूँ जो भी आपने शौक पाल रखे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे बिल्कुल आपकी तरह। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में जो जानकारी दूंगा, असील जो चिक्स होते हैं हमारे छोटे चूजे, उन्हें जो जल्दी बड़ा करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, ये जो छोटे चूजे होते हैं हमारे असील के, इनका जो ग्रोथ प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होता है ना। आदमी जो है ना, मेहनत करते करते जो है ना, अब एक बावला सा हो जाता है, ताकि उन्हें उत्सुकता भी होती है जो शिकारी भाई होते हैं, ताकि हमारे चूजे जो जल्दी से बड़े हो जाएं और जो हमारा शौक जो बेहतर बन सके, और हम इनमें क्या काम है, इनमें क्या इनकी कौन नस्ल है, हम वो काम इनमें देख सके हैं। ठीक है, और इसमें जो है, जो हमारे जो और चूजे होते हैं जैसे कि लेयर मुर्गी के हो गए, देसी के या आरा या डबल एफ जी के, ये उनका जो जो प्रोसेस है, ग्रोथ प्रोसेस है, वो थोड़ा सा फास्ट होता है और असील के मुकाबले वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, और जो नए शौकीन भाई होते हैं वो तो किलस ही जाते हैं यार, कि कैसे क्या क्या हम क्या खिलाएं ऐसा जो हमारे चूजे जो है वो जल्द जल्दी जो है बड़ा हो जाए। तो मैं इस वीडियो में वही जानकारी आपको दूंगा, आप अपने जो छोटे चूजे हैं हमारे असील के, वो जो है अच्छे से जो ग्रो कर सकें, ग्रोथ उनकी अच्छी खासी जल्दी 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 जो बड़े हो सके। ठीक है, ये तो खैर आप सभी जानते हो, जब हमारे छोटे चूजे होते हैं असील के, तो ये असील के हों देसी हों, जो हमारे छोटे चूजे होते हैं, छोटे चिक्स चूजे, उनके जो है सबसे पहले हमने उनकी जो है एक, जब जो चूजे निकलते हैं तो उनके पेट के अंदर जो है एक जर्दी बच जाती है पेट के अंदर, ताकि जो खाने की जो पूर्ति करते रहते हैं वो पेट के अंदर, तो उन्हें जो डिटॉक्स करने के लिए, पेट साफ करने के लिए हमें देना पड़ता है गुड़ का पानी, ताकि उनका पेट जो अच्छे से डिटॉक्स हो जाए, साफ हो जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे हम, तो उसके पेट में जो ना वो पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और इतने इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो आपने इस बात को गौर करा होगा, 3-4 दिन के बाद जो है ना वो एक जो बीट करते हैं हमारे छोटे चूजे, जो पोटी करते हैं वो ना एक मवाद सी हगने लगे हैं, और हगते हगते जो है ना वो पेट में जो है वो इन्फेक्टेड इतने हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे, मरने शुरू हो जाए हमारे बच्चे, एक कारण ये है। और यदि अच्छे से उनका पेट सफा नहीं होता है, गुड़ का पानी हमने नहीं देते हैं, तो जो पोटी करने वाली जगह होती है उस पर जो बीट चिपकनी शुरू हो जाए, और इतनी चिपकते चिपकते जो ना वो बच्चे खत्म ही हो जाते हैं। ठीक है, गुड़ का पानी देने का, पेट सफा करने का सबसे एक जरूरी काम यह है। उसके बाद में हम देंगे अपने चूजों को एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक देने के बाद में, सादा पानी देने के बाद में, फिर हम देंगे उन्हें कोई भी मल्टीविटामिन, कोई भी लिक्विड फॉर्म में मल्टीविटामिन, फिर सादा पानी देने के बाद में फिर हम देंगे उन्हें जो है एंटीबायोटिक और फिर मल्टीविटामिन हो गया, फिर उसके बाद में जो है वो खाना पीना सीख जाते हैं यदि, ठीक है। और उनका मैं कह रहा हूँ कि यदि आपने मुर्गी से पलवाए हैं तो भी ठीक है, नहीं तो अगर नहीं पलवाए तो उनके जो ब्रोडिंग का विशेष ध्यान रखें, ब्रोडिंग का बहुत अच्छा महत्व है जो है हमारे चूजों में, छोटे चूजों में, ताकि उनके जो है जो फैदर है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और हड्डी का विकास भी जल्दी हो जाता है अच्छे से ब्रूडिंग के लिए, वो आगे जाकर बीमारियों का शिकार नहीं होते, ये लंगड़े पंगड़े हो जाते हैं मुर्गी के बच्चे, तो ब्रूडिंग का सबसे अच्छा फायदा ये है। यदि आप मुर्गी के नीचे निकलवा रहे हैं अपने बच्चे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो अपना आप ही ब्रूडिंग कर देगी उनकी अपने परों में दुबका गए। और अब आते हैं जो आप खिलाने के लिए क्या देना है, तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले जो है आप सब होने के बाद में आपको देनी है पोल्ट्री फीड, जो बारीक वाला पोल्ट्री फीड होता है, शायद उसे स्टार्टर प्री स्टार्टर क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, तो जो बारीक वाला पोल्ट्री फीड देना है, करीबन 1 महीने तक आपको जो है पोल्ट्री फीड पे लानी है अपने बच्चे। उसके बाद में आपको जो है दे देना है भैया जी उन्हें, बीच बीच में आपको जो मल्टीविटामिन पानी में घोल कर देते रहना है। फिर उसके बीच में जो है आपको, जब 1 महीने के प्लस के हो जाएंगे आपके चूजे, तो उसमें जो है मक्का, गेहूं, बाजरा, ज्वार, इन सब का जो है दोपहरा करवाने के बाद में आपको जो है ना 50% वो दाल दलिया हो गया, और 50% हो गया पोल्ट्री फीड, इन सब का जो है मिक्स करने के बाद में अपने चूजों को वो दें। ठीक है, इसके बाद में आपको जो है ना बीच बीच में, जैसे कि हफ्ते में या संडे हफ्ते में 2 बार आपको जो है ना वो जो घर पे कीड़े बना लेते हैं, वो कीड़े भी आपके अपने मुर्गों को जो है जरूर खिलाने हैं, छोटे चूजों को। कीड़े बनाने का प्रोसेस यदि आपको पता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि हम उसकी खल लाते हैं, जो पशुओं के आहार पर जो मिल जाते हैं, बिलोने की खल या सरसों की खल, उसे जो है बारीक बारीक आप तोड़ लें, 250-250 ग्राम ला सकते हैं आप, 250-250 ग्राम जो है आप दो जगह ले आएँ, 250 ग्राम उसकी खल होगी बिलोने की, और ये एक टाइम की बता रहा हूँ, आप ज़्यादा ला सकते हैं बाद में काम आ जाएगी आपके, 250 ग्राम आपने मस्टर्ड वो ले आएँ, जो मस्टर्ड केक यानी कि उसकी सरसों की खल, और फिर आधी 250 ग्राम होगी आपकी बिलोने की खल, बारीक बारीक तोड़ने के बाद में, टुकड़े टुकड़े करने के बाद में, उसे जो ना पानी का छींटा मार दें, वो फूल जाएगी, भीग जाएगी अच्छी तरीके से।
भिगोने के बाद में आप उस पर जो है ना गेहूं का आटे का थोड़ा सा उस पर एक छिड़काव सा कर दें। छिड़काव करने के बाद में थोड़ा मीठा पानी भी उसमें होना चाहिए, जैसे कि बूरा हो या गुड़ हो, इस तरह का मीठा पानी का छिड़काव करना है। उस पर जो है ना कुछ से मीठा है उसकी वजह से मक्खियाँ आएंगी और जो है वो गेहूं का जो हमने आटा उस पर छिड़काव करा था वो सड़ना शुरू हो जाएगा, उसकी बदबू से जो है ना मक्खियाँ आएंगी, कीड़े वाली मक्खियाँ आएंगी, उस पर जो ना अपना लार्वा छोड़ जाएंगी, कीड़े वाला लार्वा। तो ये सिर्फ 4 या 5 दिन का प्रोसेस है, चौथे पांचवें दिन आपको चेक कर लेना है कि कीड़े बने या नहीं बने, कितने बने। बन जाएंगे, मैं इस तरीके से जो है बनाता हूँ। और ये खुराक आपको 2 दिन देनी है, फिर जो है आपको 5 दिन बाद फिर अपने चूजों को इस तरीके से कीड़े खिलाने हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा जो है प्रोटीन सोर्स है आपके चूजों का। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो हमने अपने केज में, घर में, छतों के ऊपर पाल रखे हैं। जो आबादी वाले क्षेत्रों में पलते हैं, नाली मोरियों में, कूड़े कबाड़ा में चुगते हैं, वो तो खैर वहीं से मट्टी कंकर या हरी घास खा के या कीड़े मकोड़े खा के अपना जो प्रोटीन या कैल्शियम पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे घरों के छतों पर है ना, उन्हें हम जो है एक्स्ट्रा गौर करने की जरूरत होती है ना। और बीच बीच में जो है आप उन्हें उबला हुआ अंडा भी जो है खिला सकते हैं। ये बहुत तगड़ी खुराक होगी, कैल्शियम भी मिल गया, प्रोटीन भी मिल गया और जो है बाकी बच्चा कुछ जो है जो कमी बेसी रहेगी वो हमने कीड़ों से पूरी कर ली, ठीक है। और ये कुछ मेरा जो बच्चे छोटे चूजे पालने का प्रोसेस था। इससे आपके बच्चे ना आपको निराश नहीं करने के, बहुत अच्छी जो है जी राजी कर देंगे आपका, बिल्कुल जो है 3 महीने में जो है आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। आपके मतलब बहुत अच्छा प्रोसेस है बच्चों को जो हासिल के छोटे चूजों को जल्दी बड़ा करने का, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जानकारी से सहमत होंगे। यदि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, यदि इस वीडियो में कुछ कमी बेसी है या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उसका उत्तर वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों बाकी आप खुद समझदार हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।